एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने यह कहा है कि गांव से अगर पानी आएगा तभी वो पिएंगे, तो देश ने मुझे झंडे दिए, पानी भी देगा। और राकेश टिकैत का ये बयान आपको बता रहे हैं कि देश ने अगर मुझे झंडा दिया है तो पानी भी देंगे। राकेश टिकैत ने कहा है गांव से पानी आएगा तभी पीऊंगा, तो अब एक तरीके से खुली चुनौती का इकरार यहां पर कर दिया गया है और यह ऐलान खुलेआम किया गया है राकेश टिकैत के तरफ से कि अगर बातें नहीं मानी जाती है तो वही स्टेज पर वो आत्महत्या कर लेंगे। और अब पानी को लेकर भी उन्होंने कहा है कि पानी तभी पीऊंगा जब गांव से पानी आएगा, तो देश ने मुझे झंडे दिए, पानी भी ये देश देंगे। तो देश के नाम पर उन्होंने झंडे की बात को लेकर के कह दिया कि झंडा जब पकड़ाने का काम किया गया है तो फिर देश के ही लोग पानी भी देंगे। तो किसान विरोधी कानून वापस नहीं हुए तो आत्महत्या कर लूंगा, ऐसा कहना राकेश टिकैत का। और अब उनकी ये मांग कि जब तक गांव से पानी नहीं आएगा वो पानी नहीं पिएंगे। तो लगातार जो गर्मी है वो गाजीपुर बॉर्डर पर बढ़ती चली जा रही है क्योंकि तनावपूर्ण स्थिति वहां बनी हुई है। अब सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी हुई है क्योंकि योगी सरकार की तरफ से ये फरमान जारी किया गया कि जल्द से जल्द बॉर्डर इलाकों को खाली कराया जाए, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर से राकेश टिकैत हटने का नाम नहीं ले रहे हैं और वो इसी जिद पर अड़े हुए हैं कि जब तक ये कानून रद्द नहीं होगा इसी तरीके से वो धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। इस पर अधिक जानकारी के लिए ब्रजेश श्रीवास्तव एसोसिएट एडिटर फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, आपसे जानकारी चाहेंगे, ये बार बार ऐसे जो बयान सामने आ रहे राकेश टिकैत का, अब उन्होंने ये कह दिया कि जब तक गांव से पानी नहीं आएगा वो पानी ही नहीं पिएंगे, तो कैसा संदेश वो जारी करना चाह रहे हैं लोगों के बीच में? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि लेकिन ये पूरी उसके आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आगे जाकर धरने को खत्म करें, तरीके से धरने को खत्म करें, और उसके लिए न सिर्फ नेताओं के साथ हमें है आर्या को भी ऊपर बुला लिया गया, बीएसई की टीम पहले से ही ऊपर थी, तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए। बिल्कुल ब्रजेश, जिस तरीके से क्योंकि सभी का यही कहना है कि अगर जो तमाम किसान संगठन है वो भी एक एक करके अपने पैर पीछे खींचते चले जा रहे हैं और यहाँ पर अकेले अब राकेश टिकैत ही देखने को मिल रहे हैं कि वो खुद ही अकेले यहाँ पर पूरा आंदोलन संभालने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर कितना लंबा समय भी लग जाए पर मैं यही रहूंगा, अगर आत्महत्या करने की नौबत भी आती है तो मैं आत्महत्या करने को भी तैयार हूँ। बिल्कुल, देखिए बात ये है कि बात के वो जिस तरीके से गई कि हालात ना हो, लेकिन आप मन को दिखाई दे रहे हैं नेता लगातार के साथों के करने पर। ब्रजेश, आपकी आवाज हम तक ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही, मैं अपनी टीम से दरख्वास्त करूंगी कि दोबारा से आपको संपर्क करें। तो यहाँ पर राकेश टिकैत का ये बयान आपको दोबारा बता दे कि इससे पहले उन्होंने ये कहा था कि अगर ऐसी नौबत आती है कि आत्महत्या करना पड़े तो वो आत्महत्या करने को तैयार है लेकिन गिरफ्तारी नहीं देंगे। और अब उन्होंने ये कह दिया है कि सरकार ने हमारा पानी बंद किया है और इसी वजह से जब तक गाँव से पानी नहीं आएगा तब तक पानी नहीं पीऊंगा। राकेश टिकैत के बयान आपको बता रहे हैं, उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए ये कहा है कि सरकार ने हमारा पानी बंद किया है और इसी वजह से उन्होंने कहा कि जब तक गांव से पानी नहीं आएगा वो पानी नहीं पिएंगे। तो प्रशासन ने सभी सुविधाएं हटाई, ये जो ऐलान किया गया है और ये जो बयान जारी किया गया है
और इसी के साथ हमारे संवाददाता गौरव यादव हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर से जुड़ चुके हैं। गौरव, आपसे जानकारी चाहेंगे, इस वक्त वहां पर कैसा माहौल आपको देखने मिल रहा है? गौरव, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? तो यहाँ लगातार प्रशासन पर सवाल खड़े करते हुए, सरकार पर सवाल खड़े करते हुए राकेश टिकैत ने सरकार और प्रशासन दोनों को घेरने का काम किया है। उनका यही कहना है कि गाजीपुर बॉर्डर पर प्रशासन ने सभी सुविधाएं हटा दी है। प्रशासन की इस कार्रवाई पर राकेश टिकैत ने ये कह दिया है कि देश मुझे झंडा दिया है तो पानी भी देगा। तो एक बार फिर हमारे साथ ब्रजेश श्रीवास्तव एसोसिएट एडिटर लाइव जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, आपसे जानकारी चाहेंगे कि इस वक्त वहाँ क्या माहौल है? ब्रजेश, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से जो है, आप अगर ये सामने स्थिति देखिए, किस तरह से पूरा पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है। पुलिस फोर्स की जिस तरीके से गई, जो डिपार्टमेंट तेजी के साथ वो तमाम प्रशासनिक अधिकारी इस वक्त जो है आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं। आप जरा सामने देखिए, ये पूरा NH-24 को बंद कर दिया गया है, यानी कि ये जो पूरा दिल्ली से आने वाला दिल्ली का जो पूरा ये हाईवे है, इसको मूवमेंट दिया गया है। मुझसे रहा, लेकिन अब ये है, अब सबसे बड़ी चीज ये है कि एक तरफ किसानों का पूरा टेंट है और दूसरी तरफ यहाँ पर एक तरफ किसान तो दूसरी तरफ प्रशासनिक अधिकारी है। तो आप पूरी तरीके से पाला दोनों तरफ से खिंचा हुआ है, जो है वो कि आगे किस तरीके से आए पूरा अर्न को। ब्रजेश, पुलिस प्रशासन की तरफ से यही कहा गया कि अल्टीमेटम यहाँ पर दे दिया गया है और राकेश टिकैत को यह कहा गया है कि रात भर में वो इस जगह को खाली कर दे, लेकिन वही राकेश टिकैत यहाँ पर डटे हुए हैं, वो खाली करने को तैयार ही नहीं है। तो इसके बाद से पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां की जा रही हैं? देखिए, आप जब मेरे पीछे देखते हो, SSP मौके पर मौजूद है, इसके साथ ही जो तमाम अधिकारी हैं वो आपस में वर्तमान स्थितियों को लेकर के इस समय किस तरह की स्थितियां हैं और किस तरीके से आगे की रणनीति तय करनी है, इसको लेकर के मंथन कर रहे हैं, उसके बातचीत कर रहे हैं। और दूसरी तरफ मूवमेंट देखिए, फोर्स का मूवमेंट तरीके से बढ़ता जा रहा है। बात है कि पूरा NH पूरी तरीके से फोर्स के डिप्लॉयमेंट से पट गया है। चौतरफा आपको, चारों तरफ आपको जहां भी तस्वीर दिखाई देगी, आपको सिर्फ यहां पर फोर्स के जवान दिखाई देंगे। अभी ठीक है, ब्रजेश, आपके पास लौटेंगे। यहां पर एक बार वो बयान दोबारा से हम अपने दर्शकों को जरा सुना दे कि राकेश जी कहते हैं क्या कुछ कहा है। उनके 300 लोग यहाँ पे हैं, लाठी डंडों और माइक से बोल रहे हैं। यहाँ के पुलिस प्रशासन को और पुलिस के लोग यहाँ पर आए, ये अत्याचार है किसान के साथ, देश के किसान के साथ ये नहीं होगा। अपने किसान को मैंने सुरक्षित यहाँ से वापसी भेजा, लाल किले पर झंडा यहाँ पे मोदी के साथ में फोटो खिंचवाने वाले, जब तक कार्रवाई नहीं होगी, अगर पुलिस प्रशासन यहाँ पर उसका इल्जाम वो पूछेगा। गाँव के लोगों से अपील है,